हम इस समय मौजूद हैं केसी वाटिका ब्राह्मण सभा रेलवे रोड पलवल। आप ये सीन देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं। ये यहाँ के स्थानीय कांग्रेसी विधायक करण दलाल जी का पुतला बनाया हुआ है रेलो वालों ने। आज इन्होंने जो दलाल साहब का पुतला है इसका यहाँ से चलेंगे केसी वाटिका से, और उसके बाद मीनार गेट पे जाकर पुतले का ध्यान किया जाएगा। और आप देख रहे हैं ये कार्यकर्ता इन लोगों के, ये आप शांत रहिए यार। ये है बिजेंद्र सिंह चांद जो इनेलो में नेता है, वो लोग वो नेताजी अपना भाषण दे रहे हैं इस समय। और ये देख लिए कार्यकर्ताओं की ये भीड़ है, ये दर्शा रही है कि इनका जो रोष है दलाल साहब के प्रति वो क्या बोलते हैं, वो इसलिए है कि क्या उन्होंने सदन में कथित रूप से चौधरी देवीलाल जी को गाली दी थी। चौधरी देवीलाल देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्हें लोगों की कद्दावर नेता रहे हैं। ये देखिए अलग से एक बार फिर से बता दें, ये विधायक करण दलाल जी का पुतला जो बनाया हुआ है इन्होंने कार्यकर्ताओं ने। ये महेंद्र चौहान इनेलो के प्रदेश प्रचार सचिव, उनका काफिला आया है अभी। इनेलो के प्रदेश प्रचार सचिव है श्री महेंद्र चौहान। महेंद्र चौहान और उनके कार्यकर्ता साथी इस सभा में अभी अभी आपके सामने लाइव देख रहे हैं, अभी अभी आए हैं। चौहान साहब, महेंद्र चौहान जी, आप इस समय लाइव है फेसबुक पर, यही खड़े रहिए। ये आपके साथ जो काफिला आया किस लिए आया? ये इसलिए आया है करण दलाल के विरोध में आया काफिला। जन नीति को जानते हैं ना नियत को जानते हैं, भ्रष्टाचारी नेता जिसने 25-30 साल तक पलवल की पलवल में राज किया है, तो उसकी नीति है ना नियत है ना कोई अनुशासन है। अनुशासन ही व्यक्ति इस हलके का दुर्भाग्य है जो इस तरह का व्यक्ति यहाँ हमारे राज करे। नहीं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि हलके का दुर्भाग्य है, 5 बार से वो विधायक भी है, 5 बार से विधायक, तो इसका मतलब आप मतदाताओं के लिए भी आप कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है। वो हर बार धोखे से बनता है, धोखा देकर बना है। पहले एक बार क्या हुआ, चुनाव साहब का ही नाम ले दिया, चुनाव साहब के बारे में कह दिया सन 2000 में जी, एक बार धूल चटा देंगे इसी मुद्दे को भुलवा दिया, जबकि ये गलत था। नहीं, उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि इसको धूल चटा दे। हाँ जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उस समय कहा था कि इसको दलाल को, ऐसा कोई शब्द नहीं कहा ना ऐसा कह सकते। तो मूल शब्द क्या कहा है? चौटाला साहब के लेवल का ये कद्दावर कोई नेता है। दूसरी बात, सुभाष चौधरी को टिकट मिली उस समय इसने जातिवाद को बढ़ावा दिया, कहा भाई गुजर से क्यों मरवा रहे हो, तुम ही मार लो हमें, इस तरह के शब्द कहता है। आज वही मुद्दा इलेक्शन नजदीक आ गया, आज वही मुद्दा इसने फिर उठा दिया। हर बार इसी तरह का कोई ना कोई षड्यंत्र रचता है। एक मिनट मेरे सुन लो, आपको सुना रहे। पहले भुड़ेर में जाता था तो कहता था गंगा जी आएगी, आज तक वो गंगा जी नहीं आई। बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, आज तक किसी को रोजगार दिया? जितने लड़के बेरोजगार हैं आज उसी की मेहरबान से जिसने 25-30 साल तक सत्ता में सुख भोगा, उसने बच्चों की तरफ कोई ध्यान दिया, इलाके तरफ कोई ध्यान दिया, शिक्षा की तरफ कोई ध्यान दिया? एक सिर्फ 302-307 के केस एक दूसरे के प्रति लगवाए हैं अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, दूसरों का मनोबल डाउन करने के लिए। इसके सिवा करण दलाल कुछ है ही नहीं, बात खत्म। तो ये थे पलवल से विधानसभा क्षेत्र के इनेलो के टिकट के दावेदार भी हैं महेंद्र चौहान। उन्होंने कहा कि श्री दलाल धोखे की राजनीति करते हैं, वो लगभग प्रत्येक चुनाव में हर बार वो मतदाताओं से झूठ बोलकर अपना राजनीति करते हैं, इस वजह से वो विधायक बनते चले आ रहे हैं। परंतु दूसरी ओर देखा जाए तो ये मतदाताओं का भी अपमान है अगर इस तरीके से कोई वक्तव्य देते हैं तो, क्योंकि मतदाता ही चुनते हैं। बहरहाल ये देखिए इसी प्रकार से अलग अलग उसमें बैठे हुए लोग खड़े हैं और एक काफिला और भी आ रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि जो इनेलो के टिकट के दावेदार हैं वो काफिले लेकर ही आ रहे हैं अंदर।
अभी थोड़ी देर में ही रवाना होंगे मीनार गेट के लिए। अब ये इन्हें लोग पूर्व जिला अध्यक्ष श्री तुयराम भारद्वाज इस समय अपना भाषण दे रहे हैं। मैं भाई आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी कभी गठन होता है तो करम सिंह दलाल कौन सा मुद्दा तक तैयार कर लेते हैं। उन्होंने जो मुद्दा बनाया आपकी बात कदम डीपीएम के जो खास थे गरीबों को वो काट दिए सरकार ने, आप इसकी बात को सहने में दो, एक ही बात कहो सच्चाई है तो उसके अंदर डीपीएम के कार नहीं काटे जो भर्ती बन रहे थे जिनसे इनके आदमी चेपन भरी जा रही थी और फर्जी मोड कर रही थी 15-20 हजार मोड यहाँ पन्ना से फर्जी जो कट गई है ये उसको दर्ज हुआ है। तो भाइयों मैं एक आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जैसे कि अनुशासन के अंदर रहकर तो भारत जनता उसमें दूसरे बाजार में ये देखिए लोग आ रहे हैं इन्हें लोग के कार्यकर्ता। आज के बारे में आपको बता दें कि आज इनेलो के कार्यकर्ता इस समय केसी वाटिका में जुटे हुए हैं। केसी वाटिका में अभी आपने आपको दिखाया था विधायक करण दलाल के खिलाफ ये रोष है इनेलो वालों का। आज उनका कार्यक्रम है श्री दलाल का पुतला फूके जाने का, अब से थोड़ी देर में यहाँ से चलेंगे, उसके पश्चात वो मीनार गेट पर पुतला फूकेंगे इनेलो के कार्यकर्ता। इनेलो के नेताओं का आरोप है कि दलाल ने सदन में चौधरी देवीलाल को गाली दी थी और जिसे वो बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने इनेलो ने और आज पुतला फूंक रहे हैं। हमारे बीच में है श्री जेपी पाठक। पाठक जी आप बताइए क्या दलाल के प्रति इनेलो में ज्यादा रोष है? भाई साहब दिखना रोष जो उस तुम्हें जी रोष दिखना रोष जनता देखो जी ताऊ देवीलाल को जो अपमान करेगा कोई भी है वो बर्दाश्त नहीं करो यार, देख लो तो रोज देखो ना घुमा दो यार। आप कहते रहो ना, आप अपनी बात कहिए, मैंने घुमा दिया। रोष है बिरादरी में रोष है। ताऊ देवीलाल जननायक थे जिन्होंने छत्तीस बिरादरी की पेंशन बनाई थी। आज छत्तीस बिरादरी के बड़े बूढ़े जो पैसा ले रहे हैं जो टाड़ा से ताऊ देवीलाल जब तक सूरज चांद रहेगा ताऊ देवीलाल तेरो नाम रहे। तो ये है जेपी पाठक जी, पाठक परिवार के सदस्य है और उनका ये कहना है कि चौधरी देवीलाल का अपमान किया है दलाल ने अपने सदन में जिसे बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस कैमरे को घुमाइए लोगों को दिखाइए कि किस प्रकार से दोष व्याप्त है। अभी आप देख भी रहे हैं अलग हमारे एक बीच में श्री बालक राम दैया साहब, बताइए क्या क्या कहना आपका? मेरा कहना यह है इस शख्स ने जिसने पलवल के जनता को बदनाम किया है, नमस्कार जी नमस्कार, पलवल की जनता को बदनाम किया है इसके शब्द बिल्कुल अशोभनीय है। ऐसे शब्द ऐसे शब्द निकालने वाले को समाज को बहिष्कार कर देना चाहिए। देश का जो जन्मदाता है जिसको पूरी जनता सबसे पहले चाचा की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी थी, उसके बाद दूसरी उपाधि ताऊ के ताऊ को देवलाल को दी थी देश की जनता ने, आज उसका उसने अपमान किया है ये उसके प्रति बहुत शर्मनाक बात है। हमारे बीच में है इनेलो की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती आशा लांबा जी। लांबा जी बताइए कि आप क्या किस लिए आप इकट्ठा हुए हैं? हम इसलिए हुए कि जो नेता होते जनता जिनको चुन के भेजती है विधानसभा में वही नेता जो करण सिंह दलाल जी हैं आज हमारे पलवल स्टेशन से गए, उनको ये नहीं पता कि हमें कैसे बातचीत करनी चाहिए किस तरीके से। अगर वो इतनी गलत बयानबाजी करेंगे तो मैं तो उन्हें नेता नहीं माना। नेता वो होता है कि बात ऐसी करे जो किसी दूसरे को बुरा ना लगे, और आज जो उसने हमारे अभय चौटाला जी को जो गाली दी है और ताऊ देवीलाल को जो ठेस पहुंचाई है वो हमारे ताऊ देवीलाल ने सम्मानीय है जो जननायक है इस हरियाणा के, उस गाली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए उसे दिखाने के लिए जिस जनता ने तुझे
तुझे विधानसभा में भेजा है, आज वही जनता तुझे दोबारा से फिर यहीं आके खड़ा करेगी। तो ये थी आशा लांबा जी, जिन्होंने अपने दिल के गुबार निकाले हैं। उन्होंने कहा कि विधायक दलाल ने अभय चौटाला के बारे में और उसके बाद चौधरी देवीलाल जी को गाली दी है सदन में, उसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, इस बार के चुनाव में हम उनको धूल चटा देंगे, ऐसा उनका फिर से कहना है। हम नहीं, जनता भी चटाएगी, क्योंकि ताऊ देवीलाल की जनता बहुत चिंतित है। आशा जी आपको याद होगा सन 2000 के चुनाव में आपकी पार्टी के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि दलाल को धूल चटा दो, तो जनता ने दलाल को धूल चटाने की बजाय उन्हें चुनाव में जितवा दिया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा था, ऐसा नहीं कहा था, ये झूठी अफवाह फैलाई जाती है उनके लिए। ये तो इलेक्शन का प्रबंधन है, प्रबंधन बनाया जाता है इलेक्शन में। ये जो ताऊ देवीलाल की जो पीढ़ी है ना, ये उनके ही सुख कदमों पर चलती हुई आगे और जनता के पक्ष में जनहितकारी है। ये पार्टी हमारी जनहितकारी है, कभी किसी हमारे बीच में है। तीन से पार्टी के टिकट के दावेदार श्री जवाहर सिंह डागर जी, ये काफी देर से ललायत है अपनी बात रखने के लिए। डागर साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? कोई टिकट का दावेदार नहीं हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी हमारी मजबूती में है। आप मेरे से क्वेश्चन किए उसका जवाब दूंगा मैं, दलाल साहब के बारे में पूछे मेरे को। आप खुद ही बता दीजिए ना, आप मेरे से क्वेश्चन करो, आप भी तो बता दीजिए। आप काफी देर से कैमरे के सामने आने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, जब आप कहना भी चाह रहे हैं और बता लो। मान सम्मान कर रहा हूँ मैं, नहीं नहीं मेरे से क्वेश्चन करो, मैं जवाब दूंगा। जनता जवाब दे देगी, जनता जनता जवाब देगी। आप बोलो, मेरे मालिक आप मेरे, मैं नहीं, मैंने आशा लांबा जी से पूछा था, उन्होंने चलिए आप चलो आप बताइए बताइए कि आज किस प्रकार से रोष में आप दलाल साहब के प्रति? आप हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ बोलकर चुनाव लड़ते हैं। आप 2000 की बात कर रहे थे चुनाव में, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कुछ नहीं बोला इसके बारे में। इसने एक केवल ना कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी में मैं ये थोड़ी कहूंगा एक बार इसको मत मारे, मैं ये कहूंगा ऐसा धूल चटा दे। वो था इसने खाली राजनीति करी है गरीब लोगों का, 10,000 इसकी नकली वोट कटी है, कर तो उसका इसका इसका लेवल चौटाला का क्या लेवल है? बैंकों के पैसा ये खा गए, शुगर मिल को ये खा गए, सारी लूट ने करी, डकैती ने करी, उन्होंने गुंडागर्दी साथ में करी, सबसे बड़ा ट्रस्ट है मरवल का, वो ऐसी बयानबाजी करता है जिसके बेटे की दो दो शादी। तो देखा ये जवाहर सिंह डागर जी ने किस प्रकार से अपने दिल के गुबार निकाले हैं। उन्होंने कहा है कि कई तरह के गंभीर आरोप लगाए दलाल के प्रति, आपने आप लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर इस समय। सभी हमारे बीच में श्रीमती लता भारद्वाज जी। लता जी, आप भाजपा छोड़कर इनेलो में किस लिए शामिल हुई हैं? अच्छी पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं का, पब्लिक का और सभी जनता का यहाँ सम्मान होता है, सभी के कार्य किए जाते हैं और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा कि ये लोग सब गरीबों के साथ हैं, हर वह काम करूँगी जो मेरे जिसमें मेरी जनता की भलाई हो। मैं पहले सोशल की कार्य करती थी और अब भी करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। चलिए आप एक बार फिर से दिखा दें आपको, ये विधायक करण दलाल का पुतला बनाया हुआ है इन्हें लोग कार्यकर्ताओं ने। और ये है हमारे बीच में अब इस समय नगर परिषद के पूर्व कार्यकारी चेयरमैन कंवर रमेश कुमार भाषण दे रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि आज का जो कार्यक्रम है विधायक करण दलाल का पुतला फूलने का, हम चौधरी देवीलाल की विचारधारा के आदमी हैं, हम चौधरी देवीलाल के सिपाही हैं। किसी भी लड़के को कोई भी हल्की बात कहीं भी नहीं करनी है। हमें बस है कि ना जो आदमी चौधरी देवीलाल का अपमान कर सकता है वो हमारा नहीं हो सकता, इस आदमी का बहिष्कार किया जाए। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों का धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो देखा आपने कवर, रमेश कुमार जी ने कहा कि सभी ने शांतिपूर्वक होकर शामिल होना तो हमारे काम में पहले चौकी हुई चौकी में तो राज में तो मैं नंग पदे पे उतरे आए हो। मैं बता रहा हूँ आज एमएलए की सीट के लिए पोस्टा खचेरी है,
वो शख्स देता उदयनिला जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को चाहिए उसके खिलाफ बोलना ये समझो अपना राजनीति का बिल्कुल दफन करना है और इसके ज्यादा मैं आपको चली जाऊँ। आपने देखा किस प्रकार अपना निकाल रहे ये भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे श्री गिरिराज सिंह डागर इस समय मंच संभाल रहे हैं माइक को। 30 साल तक उन्होंने भाजपा में रहकर पार्टी की सेवा की। अभी हाल ही में वो इनेलो में शामिल हुए हैं। ये हमारे बीच में भाजपा की जिलाध्यक्ष रही श्रीमती हमारे बीच में इस समय भाजपा की जिलाध्यक्ष रही श्रीमती अनिता भारद्वाज और उससे पहले भी इनेलो की जिलाध्यक्ष रही थी। आप फिर से इनेलो में शामिल हुई है। भारद्वाज जी आप भाजपा छोड़कर इनेलो में फिर से शामिल किस लिए हुई है? पहली बात तो भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। उनकी कथनी और करनी में विशेष तौर पे महिलाओं के लिए बहुत फर्क है। उनकी नीतियों को देखते हुए हमने उस पार्टी से मौजूदा जिला अध्यक्ष होते हुए एक त्याग पत्र दिया और अपनी आस्था इनेलो में जताते हुए हमने इनेलो में शामिल हुए। आपको याद होगा जब आपने इनेलो छोड़ी थी और भाजपा में शामिल हुई थी तब आपने ये कहा था कि इनेलो में महिलाओं का सम्मान नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपकी ऑनलाइन आपकी रिकॉर्डिंग है उस दौरान की आपने खुद कहा था ऐसा कुछ नहीं है। जितना महिलाओं का सम्मान अगर किसी पार्टी में है वो केवल और केवल इनेलो पार्टी में है। तो कितनी महिलाएं आपके साथ शामिल हुई आज के इस कार्यक्रम में? आज के इस कार्यक्रम में हमारी आगे भी महिलाएं काफी खड़ी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं शामिल होंगी। तो ये जो शव फूंकने की प्रक्रिया है क्या हिंदू परंपरा में से आप सही मानते हैं? देखो अगर कोई हमारे बुजुर्गों का अपमान करता है और बुजुर्गों के सम्मान के आगे कोई भी चीज गलत नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं जो कि हिंदू परंपराओं को अधिक मानते हैं, इस प्रकार किसी जीवित व्यक्ति का पुतला फूंका जाना उचित है? लेकिन किसी क्या बोलते हैं जो व्यक्ति मृत्यु जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है जो मर चुका है उसके विषय में अपशब्द बोलना क्या उचित है? मैं आपसे सवाल करती हूँ। मैं उसको उचित नहीं मानता अगर उन्होंने कहा है तो, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ उसका विरोध जता रहे हैं हम इस चीज में। भाई उन्होंने हमारे बुजुर्गों को गाली दी है, जो इंसान आज इस धरती पर नहीं है उसको उन्होंने गाली दी है तो हमारे लिए सब कुछ उचित है। तो टिट फॉर टैट जैसी नीति अपना रहे हैं भादवा जी? टिट फॉर टैट जैसी नीति अपना रहे हैं आप जी? टिट फॉर टैट जैसी नीति अपना रही है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे? नहीं हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है, टिट फॉर टैट वाली हमारी कोई ऐसी नीति नहीं है। लेकिन हाँ हमारे समाज में और आपके समाज में आपने आपने ही कहा कि एक मरे हुए व्यक्ति इंसान के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने गाली दी। देखो हमारे लिए वो व्यक्ति एक हमारा क्या बोलते हैं आदर्श है, हम उस आदर्श के लिए कुछ ना कुछ तो ये हम भी मानते हैं। सहस्त्राब्दी के सबसे बड़े जननायक चौधरी देवीलाल के बारे में अगर कोई टिप्पणी करते हैं, हर व्यक्ति चाहे वो इनेलो का है चाहे वो भाजपा का है चाहे वो कांग्रेसी है आज हर व्यक्ति उस व्यक्ति का सम्मान करता है और एक व्यक्ति विशेष उन्हें मरणोपरांत भी गाली दे रहा है तो शायद वो चीजें हमारे लिए असहनीय है। हमारे बीच में है श्री बिजेंद्र सिंह चांद जी, आइए सर नमस्कार जी। बिजेंद्र सिंह जी एक बात बताएंगे, हमने इसलिए एक क्वेश्चन करेंगे आपसे क्योंकि हमारे लिए भी जानना जरूरी है, लोगों का लोग भी इसको जानना चाह रहे हैं, किसी जीवित व्यक्ति के का शव निकालना शव यात्रा निकालना कहाँ तक उचित है? किसी जीवित व्यक्ति के खिलाफ का शव निकालना शव यात्रा निकालना शव फूंकना कहाँ तक उचित है? ये लोकदल वाले पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक परंपरा पहले से होती आई है। नहीं पहले अगर होती आई है मैं तो हाँ मेरी बात सुनो, हम बड़े सफल आदमी हैं, हम कांग्रेस और बीजेपी की तरह नहीं है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी मौत का सौदा करें, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी नाली का कीड़ा है। हम तो सब आदमी है, सभ्यता से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभ्यता से सभ्यता से इसलिए सभ्यता से जीवित व्यक्ति का शव निकाल रहे हैं। जीवित व्यक्ति भी हमारे लिए तो मर गया, वो जिसने हमारा बुजुर्ग का इतना अपमान किया हमारे लिए वो मर गया, हमारे लिए जीवित। चलिए आज का क्या कार्यक्रम है चार्ट सर? आज का कार्यक्रम है इसे उनकी इसको सबको लेकर के जाएंगे और इसका दाह संस्कार करेंगे अंदर जाके शहर में। तो किसी जिस प्रकार से हम गुस्सा देख रहे हैं तो यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा? आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा।
तो ये थे हमारे बीच में श्री बिजेंद्र सिंह चांद, जो पलवल विधानसभा क्षेत्र से इनेलो पार्टी के टिकट के दावेदार भी हैं, गंभीर दावेदार हैं, और उनका ये कहना कि हमारा गुस्सा बहुत ज़्यादा है लेकिन आंदोलन पूरी तरह से शांत रहेगा। चलिए एक बार फिर से आगे चलते हैं। ये महिलाएं आई हुई हैं, श्रीमती अनिता भारद्वाज जी बता रही हैं कि महिलाएं उधर भी बहुत बैठी है, जहाँ मतलब उन ये बताना चाह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। ये रहो तो तभी कैमरे, हाँ कैमरे पे तभी आप आ गए होगे, फेस नहीं आएगा। तो ये है ना, ये कोई गरीब की और उसमें राशन कार्ड जो कट है उनकी लड़ाई नहीं थी, ये तो जो फर्जी बोर्ड बने हुए थे चुनाव आयोग ने जिन वोटों को कटवाया, ये तो उसकी ये आपकी पिछली मीटिंग रेस्ट हाउस में आपने पीसी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने ये कहा था कि ये 10,000 वोटों की लड़ाई है जो पलवल विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने डुप्लीकेट वोट बनवा रखे हैं। तो हमने दलाल साहब से एक क्वेश्चन किया था फोन पर, उन्होंने कहा था मुझे पता नहीं है कि 10,000 वोट है जी, मुझे पता नहीं है, उन्हें बनवाई है, उन्हें क्या पता वो हाँ वो ये कह रहे हैं कि मुझे ही पता नहीं है कि बनवाई है उन्होंने वोट। कोई आदमी एडमिट कर लेगा? नहीं, एडमिट तो नहीं करेगा। कितने फर्जी राशन कार्ड, कितने फर्जी राशन कार्ड से राशन का मतलब, तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था कटिए वोट। अच्छा, उन्हें आरटीआई लगा कर निकलवा सकते हैं, उन्होंने वोट कटिए और वोट निकलवा सकते हैं। एक बात और बताइए कि आप लोग अभी अभी कई बार माइकों पर कह चुके हो कि देश का, हमारे पलवल क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इतनी बार ये विधायक बना है। मैं कहता हूँ ऐसा कहकर आप मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। मतदाताओं का अपमान नहीं कर रहे, मतदाताओं सुनो, मतदाताओं का बिल्कुल अपमान नहीं है, मतदाताओं का अपमान किया करण दलाल ने, जिनके कंधे पर पांच पैर रख करके ये 5 बार MLA बना है, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के कामगार लोगों के लिए, इसने क्या कर दिया? आज तक कुछ नहीं किया। ये देखिए इस समय तैयारी शुरू हो चुकी है, सभा खत्म करके अब सभी लोग उठ गए हैं, वो अपने अगले कार्यक्रम की तैयारियों में जुड़ गए हैं। ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से शव यात्रा निकाल रहे हैं, हमने उनसे पूछा था कि क्या इस किसी जीवित व्यक्ति का इस प्रकार शव यात्रा निकालना उचित है, तो उनका जवाब था हम ऐसा कर सकते हैं, पहले भी ऐसा होता रहा है। हमारे बीच में है श्री गिरिराज सिंह डागर जी, जो भारतीय जनता पार्टी में 30 साल तक रहे थे, यही खड़े रहिए आप आगे डागर साहब, आप 30 साल तक भाजपा में रहे हैं, किस लिए आपने पार्टी छोड़ी थी? भाजपा जो हम सोच करके गए थे एक पार्टी में डिफरेंस है, लेकिन हमने 30 साल में देखा कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और ये भी कांग्रेस से और अन्य जो दूसरी पार्टियाँ थी शासित जिन्होंने किया उससे भ्रष्टाचार में आगे ही है पीछे नहीं है, क्योंकि हम जिस समय भारतीय जनता पार्टी में थे उस समय कोई हरियाणा में नाम लेने वाला नहीं था, हम 5-7 लोग घूमते थे और लोग हमारे पीछे मजाक करते थे कि भाई तुम पागल हो रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार आएगी तो हम उनको कहते थे सरकार आए ना आए हमारी आस्था है, लेकिन जब सरकार आई और जो कुछ देखा तो उससे बड़ा मन को दुख हुआ, इसलिए मैंने दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को। तो अब 30 साल की सेवा के बाद आप पार्टी से बाहर है, सरकार से बाहर है जी, तो क्या ये महसूस नहीं हो रहा था कि इतने दिन तक, इतने सालों तक हमने जिस प्रकार से सेवा की और हमें कुछ लाभ नहीं मिला? नहीं, उसमें जो समय जितना जहाँ होता है ये कुछ आदमी के अपने भी हाथ में नहीं होता, हमारा तो सेवा करने का फर्ज था, उसमें हमने अपनी तरफ से सेवा की, उन्होंने सेवा को नहीं समझा तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें दुख कोई नहीं है, जो हमने किया काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम के रूप में मनोहर लाल जी, उनको क्या नंबर देना चाहेंगे आप? मोदी जी का जहां तक है देश के प्रति ठीक है वो काम कर रहे हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी उतना अभी इतना उनको अनुभव नहीं है, और अनुभव ना होने के कारण उनके जो सलाहकार
और जो उनके आसपास बैठे हुए लोग हैं वो भी इस तरह के हैं कि उनको सही सलाह उन्होंने नहीं दी और इस तरह वो फेल रहे हैं। पलवल जिले में जब आप जिलाध्यक्ष थे और सीएम के जो राजनीतिक सचिव हैं दीपक मंगलाब, आपकी जोड़ी बहुत मजबूत रहा करती थी, अटूट जोड़ी कहा जाता था आपकी जोड़ी को, मंगला जी की जोड़ी को, मंगला जी को और आपके साथ उनको। अब मंगला जी के बारे में क्या विचार है? किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने 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 आपको बुराई करने के लिए नहीं कहा है। हम जो साथ रहे थे आज हम अलग हो गए हैं, तो मैं अपनी जुबान से किसी के लिए बुराई नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, वो अपनी जगह जैसे कर रहे हैं और हमने जो किया हम अपनी जगह जो हमने किया ठीक है। मैं बुराई करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी अटूट जोड़ी कही जाती थी, आपकी मंगला जी की और आपकी जो अटूट जोड़ी थी, जब विपक्ष में थे तब तक तो बहुत अटूट रही थी, सरकार आने के बाद मात्र 4 साल के 3.5 साल के भीतर ये जोड़ी टूट गई, इसके पीछे क्या कारण रहे? मैंने बताया नहीं कि सरकार में चाटुकारों का और जो कहीं भी नहीं थे जिन्होंने काम नहीं किया वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो काम करने वाला जो कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी 30 साल 25 साल पार्टी में सेवा में निकाल दिए, हर तरह से भीड़ इकट्ठी करना, दरी बिछाना, अपने पैसा खर्च करना हर तरह से, लेकिन हमको उन्होंने कहीं भी नहीं समझा, तो इसलिए हमने फिर बड़े दुखी होकर के पार्टी छोड़ी। तो ये थे हमारे बीच में श्री गिरिराज डागर, जो 30 साल तक लगातार भाजपा में रहे, विभिन्न पदों पर भी रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे, और अब 4 साल के अंतराल के बाद जब सरकार बनी तो उन सरकार से आज वो बाहर है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया लेकिन शिकायत कोई नहीं की उन्होंने, केवल इतना कहा कि कुछ लोग चाटुकारों से घिरे हुए। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को उन्होंने बेहतर इंसान बताया, देश के लिए कार्य करने वाला बताया, लेकिन सीएम मनोहर लाल के प्रति उनकी राय थी कि वो भी चाटुकारों से घिरे हुए। मैं अब आपसे सतीश भूटानी इस समय विदा लेता हूँ, अब सीधा मीनार गेट पर चलेंगे जहाँ शव का दहन किया जाएगा। धन्यवाद।